ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। तो ये हमारे पास गिवन है, तो अगर दोनों वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में या दरमियान में माइनस है तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यू इस वैल्यू से अपनी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और 2x क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, माइनस ये 2x इस 2x से कैंसिल और ये वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 से, इज इक्वल टू 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 में 1 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। ये वैल्यू अब 2x इससे मल्टीप्लाई होगी, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x। ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट्स लगेंगी, पहले 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा माइनस 4। ये माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। ये x x से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x, ये 7/3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास माइनस का साइन है ये अंदर क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनके साइन चेंज कर देगा, प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में चेंज कर दिया। नीचे वैसे की वैसी वैल्यू आ गई हमारे पास 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पर ये वाली 2x की वैल्यू है और ये x स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों प्लस में तो ऐड होके 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, आपस में कैंसिल हो गए, माइनस x प्लस 4 आ गया, ये वैल्यू इधर कैंसिल होगी और ये वाली वैल्यू जो है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन गई थी, एक क्वेश्चन बन गई है। अगर अब ये यहाँ पर ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी है तो ये वाला जो 3 है ये क्या होगा, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 3x² - x + 4 = 7 2x² - 2x, ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब जब हम इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x² - 3x प्लस 4 3 का 12, 7 2 का 14x² माइनस 14x आ जाएगा। जो 9x² माइनस 3x प्लस 12 है तो ये वैल्यू हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाने से जो माइनस है वो प्लस में और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। ये 9x² है, ये 14x है, तो 14 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x² और जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन लगेगा। ये माइनस 3x है और ये 14x है, तो 14 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 11x आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, साथ 12 = 0। हमने कहा था हमारा जो x स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, पूरी वैल्यू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x² - 11x - 12 = 0। ये क्या आ गया जी, हमारे पास इक्वेशन बन गई है 5x² + 11x - 12 बन गई है इक्वेशन। अब अगर इस वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले हम इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ax² - bx + c = 0। स्टूडेंट्स, ये अगर आप इसको माइनस को अगर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में यहाँ पे अगर माइनस लिखा भी रहे तो कोई आपके लिए ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इस वाली वैल्यू को प्लस में कर लिया, हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाए। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ax² है, तो ये जो ax² है और ये क्या है 5x², तो a किसके इक्वल आएगा 5 के, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 11 क्योंकि x की वैल्यू है, और c क्या होगा माइनस 12। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर कंपेयर करके लिखते हैं a = 5, b = -11, c = -12। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। माइनस बी की वैल्यू है माइनस 11 और माइनस 11 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू है यहाँ पर 5 एंड बी की वैल्यू है एंड सी की। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्क्वायर है माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है माइनस 12, 2 ए आ जाएगा यहाँ पर 5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे 11, 11 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 121, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे 11, 5 का 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 ओवर 10, तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा 361 ओवर 10। तो हमारे पास अब जब इसका हम लेंगे अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 19 ओवर 10। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हम इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। तो ये आ जाएगा 30 ओवर 10, यहाँ पे 10 30 ओवर 10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 ओवर 10, 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 4 का 8 एंड 2 5 का है 10, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 और 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बना वो बना 3 और माइनस 4 ओवर 5। ये था ये बारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। यस फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, दरमियान में प्लस है, तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर की क्या आ जाएंगे, इसके एलसीएम आ जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर ये वाले एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये माइनस और माइनस आपस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस ए सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा ओवर ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। ए को ए एक्स को एक्स से किया, एक्स स्क्वेयर एक्स को ए से किया माइनस ए, माइनस बी को एक्स से किया माइनस बी एक्स एंड माइनस और माइनस प्लस हो गए और ए बी को किया तो ए बी आ गया। अब ये हमारी वैल्यू है ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर टू, इस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसके साथ, ए एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वेयर बी एक्स माइनस बी का स्क्वेयर टू से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए बी आ गया हमारे पास। क्या किया हमने, इस टू को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो ये वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा के इस तरफ ले आएंगे, आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए बी हो जाएगा। क्योंकि जो सब हम वैल्यू उठा के एक तरफ से दूसरे ले जाते हैं उनके साइन क्या हो जाती है, चेंज, माइनस वाले प्लस में एंड प्लस वाले माइनस में। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने क्या करना है, अरेंज करना है, जो स्क्वेयर वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लेनी है और जो सिंपल वैल्यूज़ है वो हमने एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेनी है और दूसरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास आके आ रहा है स्क्वेयर में आ रहा है तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वेयर, ये आ गया, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। टू एक्स स्क्वेयर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो देखते हैं हम, हमारे पास क्या आ रही है, तो वो है हमारे पास प्लस टू ए एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर किसी और वैल्यू के साथ ए एक्स है हम वो देखते हैं, तो इसके साथ ये ए एक्स है तो हम इसके साथ ये वैल्यू लिख देते हैं ए एक्स की, तो ये टू एक्स ए एक्स भी आ गया हमारे पास। अब हम देख नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास टू बी एक्स, ये टू बी एक्स लिख लिया तो इसके साथ ये बी एक्स की वैल्यू है ये लिख लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास टू ए बी है तो माइनस टू ए बी लिख लिया और 2ab की और कोई वैल्यू नहीं, और साथ इसके हमारे पास और कौन सी वैल्यू आ रही है, माइनस ए स्क्वेयर एंड माइनस
बी स्क्वेयर, तो वो लिख लिया माइनस ए स्क्वेयर एंड माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर, टू में वन प्लस करें तो क्या आ जाएगा थ्री ए एक्स प्लस थ्री बी एक्स माइनस, यहाँ से पूरी वैल्यू से जो माइनस है वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। जब हम इसको अरेंज करते हैं आगे तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस, जहाँ से हमारे पास इस वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है थ्री एक्स कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा ए प्लस बी, ये हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला बन चुका हुआ है किसका ए प्लस बी होल का स्क्वेयर बन चुका हुआ है। अगर हम इसको ओपन करें तो दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक दो थ्री, यानी कि एक्स का स्क्वेयर एक्स एंड सी इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने कहा था कि हमने एक्स स्क्वेयर को क्या करना होता है पॉजिटिव करना होता है, ये हमने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए पॉजिटिव कर रहे होते हैं कि हमें पता हो कि हमारी ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, ये एक्स है और ये है। अगर आप इसको एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव नहीं भी करते ये वैसे भी रहती है तो तब भी इस क्वेश्चन में कोई गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन हम मैं माइनस के साथ ही करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। तो हम कहते हैं जी कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वेयर है तो ये माइनस टू एक्स स्क्वेयर है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस टू आ गई, बी एक्स है तो बी एक्स है तो ये एक्स है तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास थ्री इंटू ए प्लस बी, और सी है तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस बी होल का स्क्वेयर। यहाँ पे क्या लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू है थ्री ए प्लस बी माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है माइनस टू एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है ओवर टू ए। ये माइनस कौन सा है जो इसका ये वाला माइनस है, ये अब वैल्यू क्या होंगी आपस में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो इस वैल्यूज़ को माइनस थ्री ए प्लस माइनस थ्री बी, माइनस थ्री को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एट माइनस थ्री बी आ गया, ये वैल्यू जो होगी ये हमारी अंदर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आ जाएगा थ्री ए प्लस थ्री बी, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, फोर टू का एट और इसका ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास यहाँ पे टू ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस ओवर थ्री ए प्लस थ्री बी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वेयर था बी का स्क्वेयर है यहाँ पर ये स्क्वेयर, ये बी का क्या है यहाँ पर स्क्वेयर, तो हमने इसका क्या ओपन करना है बी का स्क्वेयर ओपन करेंगे, तो बी का स्क्वेयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वेयर आएगा नाइन ए स्क्वेयर और b का स्क्वेयर आएगा 9b स्क्वेयर। फार्मूले का क्या लगेगा 2a की वैल्यू 2ab, तो 3 3 का 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18ab आ जाएगा। इसको मैं सब आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 3a प्लस 3b क्या है होल का स्क्वेयर है, तो क्या आएगा 3a का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3a एंड b प्लस 3b का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्या बन गया ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18ab प्लस 9b का स्क्वेयर, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमारे पास आगे है माइनस 8, ये माइनस 8 है और अब a प्लस बी होल का स्क्वेयर, तो इसका फार्मूला ओपन होगा तो आएगा a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर आ जाएगा, ये इसके ऊपर स्क्वेयर है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको
-3a -3b, ये नीचे इसके 2ar, -3b आ गया। उसके बाद ये प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू हम अंडर रूट वाली लिखेंगे, तो अंडर रूट वाली वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 9a² + 9b² + 18ab। अब ये -8 क्या होगा, इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8a² - 16ab - 8b² आ जाएगा ओवर 2a, और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -2, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वाली अंडर रूट को पहले सॉल्व करना है। 9a² में से 8a² माइनस करेंगे, 9b² में से 8b² माइनस करेंगे, 18ab में से 16ab माइनस करेंगे, सेम वैल्यू आपस में माइनस होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3a - 3b + -√9a² में से 8a² माइनस हुआ तो a² आ गया, 9b² में से 8b² माइनस हुआ तो b² आ गया, 18 में से 16 माइनस हुआ तो +2ab आ गया हमारे पास, ओवर 2 -4 आ गया हमारे पास। ये था -a - b + -√, इसका स्केयर लिया तो a + b होल का क्या बन गया, स्केयर बन गया -4। ये स्केयर अपने ही अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जब ये अपने ही अंडर रूट से माइनस हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3a - 3b + -a + b ओवर -4। अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, दोबारा प्लस माइनस की फॉर्म में आ गया, तो एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस होगी और एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस होगी। तो अब इसको फिर भी हमें अरेज करना ही पड़ेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा जी x = -a - 3b + a + b ओवर -4। ये प्लस के लिए आ गया, पहले प्लस के लिए सॉल्व करते हैं, तो x = -3a, माइनस ए में से माइनस हुआ तो आ गया -2a, एंड 3b -3b, b में से माइनस होगा तो आ जाएगा -2b ओवर -4। यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2 और आ जाएगा a + b ओवर -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 4, तो x = आ जाएगा a + b ओवर 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब हम करते हैं x = -a - b, माइनस का साइन है तो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी जाएंगी, क्योंकि इस माइनस के अंदर क्या होना है, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -a - b ओवर -4। यहाँ पर आ जाएगा -a - a में प्लस होगा तो -4a - 4b ओवर -4 आ जाएगा, x = -4 कॉमन आएगा तो a + b ओवर -4, ये -4 से कैंसिल तो आ जाएगा a + b आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं और ये हमारे क्या बन गए हैं, सॉल्यूशन सेट। एक सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, a + b ओवर 2, एंड सेकंड इज a + b, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो वो शुरू करते हैं।